बांसवाड़ा में शनिवार का दिन बड़ा ही हृदय विदारक रहा। राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। इसके बाद पूरा शहर दहशत के माहौल में आ गया। जिला प्रशासन ने सभी से अपील की है कि जो भी घटना हुई है वह आपसी रंजिश की वजह से हुई है, लेकिन इनके आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। दूसरी ओर जिला कलेक्टर ने शहरवासियों से यह भी अपील की है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें, किसी भी तरह की किसी अफवाह पर ध्यान न दें। सबसे पहले जिला प्रशासन ने जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं उन पर पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है और आसपास के थानों से जाब्ता बुला लिया गया है, आसपास के जिलों से भी जाब्ता और अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं यहाँ पर सभी को बुला लिया गया है, शहर में राउंड पर हैं और पूरे शहर में नज़र बना के रखे हुए हैं। और अभी नागरिकों से मेरी अपील रहेगी कि ये आपसी रंजिश का मामला है जिसमें दो हत्याएं हुई हैं और एक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो इसमें शांति बनाए रखें। कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले, जो भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर बताया जा रहा है इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी है और धारा 144 लगाने का भी चल रहा है। देखिए इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी हैं वो कल सुबह 6 बजे तक के लिए, ताकि किसी तरह की कोई अफवाह न फैले। और नागरिकों से भी अपील है कि किसी भी तरह से अफवाहों में अपना योगदान न दें। और धारा 144 का अभी अधिकारी गश्त कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शीघ्र ही लागू की जा सकती है। पुलिस की पूरी रेंज की टीम इस प्रकरण में कार्रवाई कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक तथा आसपास के जिले के अन्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व फोर्स यहाँ पे हमारे पास में मौजूद है, और साथ में जो हमारे स्पेशल एक्सपर्ट हैं अनुसंधान के कार्य में, टेक्निकल एनालिसिस के कार्य के, वो लोग अपने कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही हम मुलजिमों की गिरफ्तारी भी कर लें। निश्चित तौर से इसमें जिसकी भी लापरवाही रही है उसके खिलाफ में कार्रवाई करी जाएगी, कि जब दो पक्ष आए, उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसके बाद में रिपोर्ट पर अग्रिम कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, क्या यह एक जाँच का विषय है, और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एस सच कोई बंद करने का तो कोई कार्रवाई जानकारी में नहीं आई है और नई तोड़फोड़ की आई है, उल्टा एक बहुत ही अच्छा, बांसवाड़ा की जनता ने एक बहुत बढ़िया और पॉजिटिव, मतलब कि किसी के प्रोवोकेशन में नहीं आके शांति बनाए रखी है और प्रशासन में अपना पूरा विश्वास दिखाया है। अभी भी हम लोग काफ़ी लोगों से मिले हैं, उन्होंने सबने ये कहा है कि जो प्रशासन जैसा कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है, पुलिस का कार्य एकदम सही है और उनका हमारे पे विश्वास है।